प्रगति मैदान के भारत मंडपम को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो मिनी भारत की झलक पेश कर रहे हैं। वहीं भारत मंडपम के महाराष्ट्र पवेलियन में बांस से बनी हस्तशिल्प के नमूने पेश किए गए हैं। इसके तहत चंद्रयान 3 की विस्तृत जानकारी दी गई है। जो अपने देश का सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा है, जो आज तक पूरे दुनिया में किसी ने नहीं किया है, साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए हमने जो G20 का भी एजेंडा है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए, राइट, तो उसी वे में बैम्बू, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सस्टेनेबल मटेरियल है और पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, उसको लेके हमने ये पूरा का पूरा जो है चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है, इंक्लूडिंग प्रज्ञान रोवर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लैंडर का पूरा डिटेलिंग वर्क आप देख सकते हो, एंटीना के साथ वगैरह, हमने एक एक चीज़ माइन्यूटली वर्कआउट करके हैंडीक्राफ्टेड है पूरा, मतलब कुछ मशीन का पार्ट यूज़ ना करके ये पूरा का पूरा डिज़ाइन हमने डेवलप किया है। और हमारा बांस करके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने खुद स्टार्ट किया है। हम लाइक हंड्रेड्स ऑफ लोगों को, आर्टिजन्स को रोज़गार देते हैं इसके थ्रू। नॉट ओनली दिस, बट हम बैम्बू डायरीज से लेकर बाकी बैम्बू के घर और बैम्बू फर्नीचर इंडिया से बनाते हैं। हमारा मोटिव ये है कि इंडिया से चीज़ें बाहर जाए, ना कि हमें चाइना से या कहीं से लेने पड़े, है ना। तो वो मोटिव के साथ हम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने राखीज बनाई है ना। तो लाइक ये आप देख सकते हो, तो पूरा सरफेस भी जो बनाया है हमने, पूरा सरफेस चांद का सरफेस दिखाने का ट्राई किया है क्रिएटिव वे में। ये पूरा का पूरा बैम्बू का बना हुआ है। कितना टाइम लगेगा, माइन्यूट वर्क्स हैं इसमें, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, थोड़ा सा और डिटेलिंग बताएं। यस, तो ये एक एक चीज़ में कारीगरी है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो रोवर का लाइक व्हील है, व्हील को भी एकदम डिटेलिंग वर्क किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 महीना लगा था बनाने के लिए 5 लोगों में। तो इतनी डिटेलिंग हमने एक एक चीज़ पे करी है यहाँ पर। और जैसे आप देख पा रहे हो कि इसका एग्जॉस्ट वगैरह जो होता है, वो सब चीज़ों भी इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया है। और ये जो आप सरफेस है, सरफेस में भी जैसे चांद में तो छोटे छोटे गड्ढे हम देख पाते हैं, राइट, सो वो भी हमने इनकॉर्पोरेट करने का यहाँ पर पूरी कोशिश की है।